नमस्कार, आप देख रहे हैं मेरा गांव मेरा देश और मैं हूं आपके साथ जागृति खंतवाल। रुक कर लेते हैं खबरों की ओर। राष्ट्रपति पद का चुनाव जीतने के बाद द्रौपदी मुर्मू अब भारत की 15वीं राष्ट्रपति बन चुकी हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने संसद भवन के सेंट्रल हॉल में राष्ट्रपति पद की शपथ ली है। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश एनवी रमन ने उन्हें शपथ दिलाई। इसके बाद उन्हें 21 तोपों की सलामी दी गई। आपको बता दें कि मुर्मू देश की दूसरी महिला राष्ट्रपति है, जबकि देश की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति है। खास बात यह भी है कि द्रौपदी मुर्मू इस पद को संभालने वाली पहली ऐसी महिला है जिनका जन्म स्वतंत्र भारत में हुआ है। द्रौपदी मुर्मू के राष्ट्रपति बनने पर आदिवासी समाज में खुशी का माहौल है। शपथ ग्रहण के बाद देश की नई बनी राष्ट्रपति ने संबोधित भी किया। वहीं राष्ट्रपति पद की शपथ लेने के बाद द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि मेरे लिए जनता का हित सर्वोपरि है। साथ ही उन्होंने कहा कि सभी महिलाएं अधिक से अधिक सशक्त हों। मैं आप सबके विश्वास को बनाए रखूंगी। तो वहीं उन्होंने कहा कि मैं देश के युवाओं को पूरा सहयोग करूंगी। मैं पूरी निष्ठा से अपने कर्तव्यों का निर्वहन करूंगी। आजादी के 75वें वर्ष में मुझे ये नया दायित्व मिला। तो वहीं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के सफर का भी आपको बता दें कि उनका जन्म 20 जून 1958 को हुआ। ओडिशा के मयूरगंज जिले में उनका जन्म हुआ। पिता का नाम बिराची नारायण टुड्डू है। आदिवासी संथाल समूह से आती है मुर्मू। झारखंड की राज्यपाल रह चुकी हैं द्रौपदी मुर्मू। वर्ष 2000 और 2004 में विधायक रह चुकी हैं द्रौपदी मुर्मू। बीजेपी एसटी मोर्चा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य रह चुकी हैं द्रौपदी मुर्मू। ।2007 में मिला बेस्ट एमएलए का पुरस्कार। सिंचाई और बिजली विभाग में जयी पद पर रह चुकी हैं द्रौपदी मुर्मू। असिस्टेंट टीचर के तौर पर भी दे चुकी हैं सेवाएं। द्रौपदी मुर्मू के राष्ट्रपति बनने पर सीएम मनोहर लाल ने भी उन्हें बधाई दी है। सीएम ने ट्वीट कर लिखा कि भारत की आजादी के अमृत काल में द्रौपदी मुर्मू ने आज देश के 15वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है। आज देश एक नई सामाजिक क्रांति, जनजातीय गौरव और सशक्त समर्थ गौरवशाली भारत के लोकतंत्र का साक्षी बना है। अनंत शुभकामनाएं और बधाई उन्होंने उन्हें दी है। तो द्रौपदी मुर्मू ने आज 15वें राष्ट्रपति की शपथ ली है। वहीं इस मौके पर डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने भी उनको ट्वीट कर शुभकामनाएं दी हैं। तो उन्होंने अपने ट्वीट में भी लिखा है, तो द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति पद की शपथ ले ली है, जिसके बाद डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति पद की शपथ ग्रहण करने की शुभकामनाएं दी हैं और कहा कि आदिवासी महिला का पहली बार देश के राष्ट्रपति के रूप में सेवाएं देना विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र का शानदार और गौरवमयी पल है। तो डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने भी द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति पद की बधाई दी है और साथ ही साथ उन्होंने ट्वीट कर लिखा है कि आदिवासी महिला का देश के राष्ट्रपति के तौर पर सेवाएं देना विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र का शानदार और गौरवमय पल है।
खबर गुरुग्राम से, जहां अवैध खनन को लेकर सियासी दौर जारी है। नूंह के डीएसपी सुरेंद्र बिश्नोई की हत्या के बाद भी मेवात में अवैध खनन चल रहा है। अधिकारियों से लेकर मंत्री और मुख्यमंत्री तक को जवाब देते नहीं सूझ रहा है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि स्टिंग ऑपरेशन के लिए पुलिस हमें तथ्य भेजे, स्टिंग ऑपरेशन से जुड़ी जानकारी सरकार के साथ साझा करें, हम उस स्टिंग से जुड़े तथ्यों पर कार्रवाई करेंगे और प्रदेश के किसी भी हिस्से में अवैध खनन को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हम अवैध खनन में लिप्त माफियाओं के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे। कि हमने अपनी ओर से पूरी शक्ति की हुई है और पूरे क्षेत्र को हमारे वहां जो अतिरिक्त पुलिस भेज करके भी हमने उसका एक प्रकार से नाकाबंदी सब कराई है। फिर भी आप लोग जो सहयोग करेंगे और आपने जिस प्रकार का स्टिंग ऑपरेशन किया है, ऐसी जानकारी अगर आप उनको देंगे तो उसको और शक्ति को बढ़ाएंगे। इस चीज को कभी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कुरुक्षेत्र में जिला पुलिस ने टावर का सामान चोरी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश कर तीन आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। अपराध अन्वेषण शाखा ने टावर सामान चोरी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश कर आरोपियों के पास से करीब 30 लाख कीमत की 6 एरिक्सन बीबीयू और वारदात में प्रयोग की गई एक कार बरामद की है। पुलिस ने जांच अपराध अन्वेषण शाखा एक को मामले की जिम्मेदारी भी सौंपी है। तो कुरुक्षेत्र से खबर आपको बता रहे, जहां पर टावर के सामान की चोरी करने वाले लुटेरे गैंग का पुलिस ने पर्दाफाश करते हुए चोरों को गिरफ्तार कर लिया है। कुछ दिनों से हमारे पास काफी सारे कंप्लेंट्स आ रही थी और एफआईआर हुई। एक पर्टिकुलर इसमें एयरटेल कंपनी करवा रही थी कि उनके बेसमेंट यूनिट्स जो भी यूनिट्स हैं वो चोरी हो रहे थे, और ये ना केवल काफ़ी कॉस्टली होते हैं बट क्योंकि एक टेक्नोलॉजी रिलेटेड पार्ट है तो ये 4G कम्युनिकेशन में बहुत अहम है, तो इसका इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा हो रहा था उस पार्ट का भी, और जो सर्विसेज भी कई बार इंटरप्ट हो जाती थी या पुअर हो जाती थी। तो हमारी क्राइम टीम ने बहुत ही मेहनत से काम करते हुए, CIA 1 इंचार्ज हैं इनके इंस्पेक्टर करमवीर, इन्होंने बहुत मेहनत करते हुए 6 मामले हमारे दर्ज हुए हैं कुरुक्षेत्र जिले के और उनको ट्रेस किया है। इसमें 2 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, एक संदीप कश्यप है और एक फतेहाबाद के शिव चौक से चोरी का मामला सामने आया है, जहां चोरों ने बीती देर रात एक मकान से करीब 1.5 लाख की नकदी और 20 तोले सोने के गहने पर हाथ साफ कर दिया। इसके अलावा FD बीमा के कागजात भी चोरी कर लिए, और हैरानी की बात यह है कि जिस समय चोर मकान में घुसा उस समय परिवार के सभी लोग घर में ही सोए हुए थे। परिवार का कहना है कि कूलर के शोर में उन्हें सुनाई नहीं दिया। परिवार सब्जी मंडी में फ्रूट बेचने का काम करता है और जब 4 बजे मंडी जाने के लिए परिवार सदस्य उठे तो चोरी का पता लगा, जिसके बाद पुलिस को सूचना दी गई और मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। हम उठे 4:45 बजे तो हमने देखा तो मतलब कमरे का ताला टूटा पड़ा था और अंदर अलमारी अलमारी सारी खुली पड़ी थी। तो कितना सामान पड़ा था जी? सोना उसमें था जी 20-22 तोले सोना था और लगभग 1.25 लाख। खबर झज्जर से है, जहां बीते दिनों चोरों ने दिल्ली पुलिस में कार्यरत ASI के मकान में चोरी की वारदात को अंजाम दिया था, जिसमें लगभग 61 तोला सोना, 1 किलो चांदी और नकदी चोरी किया था। पुलिस ने चोरों को पकड़ने के लिए 2 टीमों का गठन किया है। DSP राहुल देव ने कहा कि चोरी की वारदात को रोकने के लिए पुलिस प्रशासन सजग है, जो वारदात घटी उसके लिए 2 टीमें बनाई गई हैं जो चोरों का सुराग लगाएंगे। उन्होंने कहा कि ये किसी शातिर चोर का काम है जो इस तरह की गतिविधियों में शामिल रहते हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि CCTV ना होने की वजह से भी चोरों को पकड़ने में दिक्कत आ रही है। ये है कि हमने इसकी 2 टीमें बनाई है, SHO की और CIA की, और ये मेरी उसमें सुपरविजन में काम करेंगे। अभी ये मौका हमने दोबारा देखा है, कुछ लोगों पे हमें शक भी है और जल्द से जल्द चोरी को ट्रेस करेंगे।
चरखी दादरी नगर परिषद कार्यालय में दादरी के व्यापारियों ने अपनी समस्याओं और मांगों को लेकर चेयरमैन बख्शीराम सैनी से मुलाकात कर उनको मांग पत्र सौंपा। चेयरमैन बख्शीराम सैनी ने बताया कि दादरी शहर में पिछले काफी समय से विकास कार्य रुके हुए हैं, जिनको जल्द पूरा किया जाएगा। साथ ही उन्होंने बताया कि व्यापारियों ने अपनी दुकानों की रजिस्ट्री की समस्या को लेकर मांग पत्र सौंपा है, जिसका एक सप्ताह में समाधान किया जाएगा। तो वहीं बख्शीराम सैनी ने बताया कि दादरी शहर में सीवर व्यवस्था और पेयजल की समस्या बनी हुई है और हमारा प्रयास है कि जल्द ही इसका समाधान हो सके। काफी लोग आते हैं, अलग अलग समस्या लेके आते हैं, किसी सीवर की, किसी पानी की, किसी भाई मेरे व्यापारी भाई आ रहे हैं, इनकी दुकानों की रजिस्ट्री करवानी है, तुरंत प्रभाव से करवाएंगे हम। अब तक मैं 15 दिन में लगभग हो जाएगा, कोई छोटी मोटी और समस्या है। खबर इंद्री से है, जहां श्यामलात भूमि के मामले में भारतीय किसान यूनियन चडूनी ग्रुप के किसानों ने इंद्री तहसील में प्रदर्शन करते हुए मुख्यमंत्री के नाम एसडीएम के प्रतिनिधि को ज्ञापन सौंपा। आपको बता दें कि किसानों ने ज्ञापन सौंपकर मांग की है कि श्यामलात भूमि में बैठे हुए लोगों को सरकार किसी भी तरह से बेदखल न करे, इससे काफी घर उजड़ जाएंगे, किसान यूनियन ऐसा कभी नहीं होने देंगे। श्यामलात भूमि के मामले में किसानों ने सीएम के नाम का ज्ञापन सौंपा है, साथ ही साथ एसडीएम के प्रतिनिधि को उन्होंने ज्ञापन सौंपा है। झज्जर के मुख्य बिजली घर पर बिजली कर्मचारियों की बैठक हुई, जिसमें कई अहम मुद्दों पर विचार विमर्श किया गया। इस बैठक में कर्मचारियों ने विभाग और सरकारी विरोधी नारे लगाए। मीटिंग में आए मुख्य प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य बंसी लाल ने बताया कि सरकार को वो कई बार लिखित रूप में अपनी समस्याओं को बता चुके हैं, लेकिन सरकार उनकी मांगों की ओर कोई ध्यान नहीं दे रही है। बैठक में कर्मचारियों ने हरियाणा सरकार को 30 सूत्रीय मांग पत्र दिया हुआ है और हरियाणा कौशल रोजगार योजना को बंद करवाने के लिए मांग पत्र भी दिया हुआ है, लेकिन सरकार की ओर से इसका कोई समाधान नहीं निकाला गया है और न ही सरकार ने मीटिंग का निमंत्रण दिया है। बिजली कर्मचारियों ने एसडीएम से लेकर मैनेजिंग डायरेक्टर स्तर तक अपने ज्ञापन सौंपे हैं और प्रदर्शन भी किया है, लेकिन फिर भी सरकार टस से मस नहीं हुई है। अब अगर सरकार हमारी मांगे नहीं मानती है तो हमारा आंदोलन और तेज होगा। श्यामलात जमीन, जुमला मुस्तरका जमीन सहित 8 प्रकार की जमीनों पर सुप्रीम कोर्ट के नए आदेश आने पर किसानों में भारी रोष दिखाई दिया है। इसको लेकर हिसार के उकलाना क्षेत्र के किसान उकलाना तहसील कार्यालय में किसानों ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की, तो वहीं किसानों ने मौके पर तहसीलदार को मुख्यमंत्री के नाम का ज्ञापन भी सौंपा। वहीं किसानों के धरना प्रदर्शन को समर्थन देने भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष गुरनाम सिंह चडूनी भी पहुंचे और किसानों को संबोधित किया और कहा कि सरकारें उनकी जमीन छीनना चाहती है, जिसको लेकर लंबी लड़ाई लड़नी होगी। और आज की जो प्रॉब्लम है वो जमीनें हमारी छीन रहे हैं और हमारी अगर कोई दौड़ भी काट लेता है ना तो हम भी तब भी लठो लठी हो जाते हैं। अब सरकार हमारी जमीनें जो हम पुश्तों से कई पीढ़ियों से बीज रहे हैं उस जमीन को सरकार छीन रही है। उसमें मुश्तरका मालकान है, जुमला मालकान है, पट्टी मालकान है, गऊचरांद है, ये 8 प्रकार की जमीनें हैं जो हमारे खाते से छूटी थी, हमारी जमीन का एक हिस्सा छूटा था और उस हिस्से को वो हमारा था, उसमें हम कुछ करें कुछ ना करें ये हमारी। तिगांव से भाजपा विधायक राजेश नागर ने आज सेक्टर 37 में आरडब्ल्यूए के प्रधानों के साथ बैठक की। इस बैठक में नगर निगम के कई अधिकारी भी मौजूद रहे। इस बैठक में आरडब्ल्यूए के सदस्यों के द्वारा विकास कार्यों में कोताही बरतने को लेकर विधायक से शिकायत की। विधायक ने अधिकारियों को नसीहत देते हुए कहा कि वो केवल विकास कार्यों पर ही ध्यान दें, यहां पर लापरवाही न करें। अगर कोई भी अधिकारी लापरवाही करता पाया गया तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। यहाँ पर सीवर की प्रॉब्लम है, वो एनएचए का जो बाहर काम चल रहा है एनएचआई का, तो उनकी वजह से ये सीवर जो ब्लॉक हो गए हैं, कुछ जगह टूट भी गए हैं, उसकी वजह से दिक्कत आ रही है, तो उसको जल्दी दूर कर दिया जाएगा।
उस जगह कूड़े की दिक्कत थी कि भी कूड़ा पड़ा हुआ है, उसके लिए भी हमने जो भी अधिकारी है उनसे बात की संबंधित अधिकारियों से, और कुछ बिजली की भी प्रॉब्लम आ रही है उसके लिए हमारा नया सब स्टेशन यहाँ पर सेक्टर 37 में बनकर तैयार है, मोस्ट प्रॉब्ली इस महीने के अगस्त एंड तक वो। कांवड़ यात्रा के अंतिम दिन भारी संख्या में कांवड़िए अपने गंतव्य की ओर जा रहे हैं। इस मौके पर अंबाला कैंट शिविर में भी भारी संख्या में कांवड़िए भोजन कर अपने गंतव्य की ओर जा रहे हैं। तो वहीं शिविर में कांवड़ियों के लिए स्वच्छ भोजन, नहाने और आराम करने के लिए विशेष प्रबंध किया गया है, साथ ही साफ सफाई का भी विशेष ध्यान रखा गया है। वहीं कांवड़ियों की सुरक्षा के लिए फायर ब्रिगेड को भी तैनात किया गया है, साथ ही पुलिस प्रशासन भी पूरी सतर्कता से ड्यूटी कर रहा है ताकि कांवड़ियों की यात्रा मंगलमय और आरामदायक हो सके। तो शिविर में कांवड़ियों की भीड़ जमा हुई है जहां साफ सफाई का भी विशेष ध्यान रखा गया है, तो वही सुरक्षा के लिए भी फायर ब्रिगेड तैनात है। और आपको बता दें कि साथ ही साथ साफ भोजन की भी वहां पर व्यवस्था की गई है ताकि कांवड़ियों की यात्रा आरामदायक और मंगलमय हो। प्रदेश की सरकार द्वारा चलाई गई मेरा पानी मेरी विरासत स्कीम किसानों के लिए वरदान साबित हो रही है। मेरा पानी मेरी विरासत का मुख्य उद्देश्य घटते हुए जलस्तर को कम करना है। प्रदेश सरकार ने पानी बचाने वाली फसलों को बढ़ावा देने की कोशिश की है। धान की फसल को छोड़कर अन्य फसलें जैसे कपास, मक्का या दलहन की फसल उगाने पर सरकार किसानों को 7,000 प्रोत्साहन राशि दे रही है। मेरा पानी मेरी विरासत के तहत रजिस्ट्रेशन करवाने की अंतिम तिथि 31 जुलाई रखी गई है। कृषि विभाग ने किसानों से अपील की है कि वो पानी की बचत करें और सरकार द्वारा चलाई गई योजना का लाभ उठाएं। तो वहीं पिछले साल की तुलना में इस बार लोगों में जागरूकता भी ज्यादा देखी जा रही है और कई किसान पंजीकरण के लिए लगातार आगे आ रहे हैं। मेरा पानी मेरा परिषद स्कीम का मुख्य उद्देश्य यह है कि घटते हुए जल स्तर को ठीक करने के लिए सरकार द्वारा पानी बचाने वाली फसलों को बढ़ावा देने के लिए धान को छोड़कर उसके लिए प्रोत्साहन राशि का प्रावधान किया गया है। इसमें प्रति एकड़ जो भी किसान धान की फसल को छोड़कर अन्य फसलें लगाएगा, मुख्यतः कपास, मक्का या दलहन की फसलें जो किसान लगाएगा उसको 7,000 रुपये की प्रोत्साहन राशि मिलेगी। इसके लिए अंतिम तिथि 31 जुलाई है, तो सभी किसान भाई इसमें आगे बढ़े और इसमें अभी तक हमारा लक्ष्य है 50% के करीब पूर्ण। चरखी दादरी में 13 अगस्त से 15 अगस्त तक आजादी का अमृत महोत्सव मनाया जाएगा। इस महोत्सव में जिले सिंह एकेडमी की तरफ से तिरंगा यात्रा का आयोजन किया जाएगा। जिला उपायुक्त श्यामलाल पुनिया ने बताया कि अमृत महोत्सव के तहत जिले के सभी परिवारों को तिरंगा दिया जाएगा जिसकी संख्या करीब 1,25,000 होगी। इस महोत्सव के जरिए उन सभी वीर जवानों को याद किया जाएगा जिन्होंने देश की रक्षा के लिए अपने प्राणों का बलिदान दिया है। गुरुग्राम को यूं तो साइबर सिटी और मेडिकल हब के नाम से जाना जाता है, लेकिन गुरुग्राम के वार्ड 10 को देखकर ऐसा लगता है कि जैसे ये साइबर सिटी का हिस्सा है ही नहीं। स्थानीय प्रशासन की उदासीनता के चलते इस वार्ड के लोग बदहाली में रहने को मजबूर हैं। यहां रहने वाले लोगों का कहना है कि इस वार्ड की गलियों में सीवर जमा की समस्या पिछले कई सालों से बनी हुई है, लेकिन सुध लेने वाला कोई नहीं है। वहीं उन्होंने ये भी कहा कि यहाँ के निवासियों का जीना मुहाल हो गया है। यहाँ के लोगों की माने तो सीवर जाम के चलते गलियों में भरे पानी की समस्या से वार्ड पार्षद और नगर निगम के अधिकारियों को कई बार अवगत करवा चुके हैं, लेकिन उनकी समस्या का कोई समाधान नहीं हुआ है। यहाँ रहने वाले लोगों का कहना है कि पिछले 5 साल में उन्होंने अपने वार्ड पार्षद की शक्ल तक नहीं देखी है। हालांकि वो लोग कई बार उनके ऑफिस में जाकर समस्या बता चुके हैं, लेकिन समस्या के समाधान की तरफ अभी तक कोई भी ठोस कदम नहीं उठाया गया है। ये अपने भीमगढ़ खेड़ी गली नंबर 12 का हाल है जी। आप देख रहे हो यहाँ पे सीवर का पानी जो निकलने लग रहा है, मैं इसके आगे सामने खड़ा हूँ और यहीं से लोग बाग आते जाते हैं। इतना बुरा हाल है, एक ही रास्ता सभी के लिए, बार बार शिकायत करने के बाद भी ना तो निगम शुद्ध ले रहा है ना हमारा पार्षद शुद्ध ले रहा है। और रही पार्षद की, आज 5 साल होने को है, अब हमने शीतल बागड़ी की शकल तक नहीं देखी।
उसके तो कान पे जूं तक रेखती कि भाई बार बार ये शिकायत करे, पर जाके तो देख ले क्या प्रॉब्लम है, इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन कैसे होगा। हम तो बार बार निगम से कहते हैं लेकिन कोई सुनवाई करने वाला नहीं है। इसका जो ऐसा हो रहा है क्यों ऐसा हो रहा है, हमेशा गली में लोग आते हैं जाते हैं, यही गंदगी में लोग हेल कर जाए आया करेगा, बच्चे बीमार पड़ेगा, खुद बीमार पड़ेगा, ये अच्छा गप है का? अपराध और जाम को रोकने के लिए सोनीपत से पुलिस प्रशासन ने मास्टर प्लान तैयार किया है। इसके चलते सोनीपत शहर को दो जोन साउथ और नॉर्थ जोन में बांटा गया है और हर एक किलोमीटर पर एक राइडर गश्त के लिए लगाया गया है। दोनों जोन के दो इंस्पेक्टर नियुक्त किए गए हैं और वहीं जोन में 5 जोनल ऑफिसर भी लगाए गए हैं। पुलिस का कहना है कि इससे लोगों को रोज लगने वाले ट्रैफिक जाम का सामना नहीं करना पड़ेगा और साथ ही शहर में बढ़ती जा रही चेन स्नैचिंग जैसी घटनाओं को भी रोकने में मदद मिल सकेगी। देखिए, जो शहर का ट्रैफिक है सोनीपत का, उसको सही चलाने के लिए हमने कई प्रयास करे हैं और पिछले कुछ दिनों में काफी एफर्ट्स करे हैं। काफ़ी ज़्यादा डिप्लॉयमेंट हमने ट्रैफिक में कर रखा है, ट्रैफिक पुलिस वालों की संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ाई है। उसके अलावा हमने ट्रैफिक को दो जोन्स में बांटा है, शहर को दो जोन्स में हमने बांटा है और दोनों जोन्स में एक इंस्पेक्टर स्तर का अधिकारी लगाया है। उनको हमने फर्दर सब डिवाइड किया है सब जोन्स में, जिसमें हमने एक NGO स्तर का अधिकारी लगाया है और उन सबको गाड़ियाँ भी मुहैया कराई हैं। उसके अलावा हमने करीब 24 बाइक्स शहर में चलाई हैं और ये प्रयास किया है कि सभी बाइकों को एक एक किलोमीटर का एरिया मिले। चरखी दादरी में मिच्योर कबड्डी एसोसिएशन हरियाणा के तत्वाधान में 59वीं सीनियर नेशनल पुरुष कबड्डी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें इंडियन रेलवे सहित 31 टीमों ने प्रतिभाग किया। प्रतियोगिता के फाइनल में इंडियन रेलवे की टीम ने महाराष्ट्र की टीम को भारी अंतर से हराया और जिसके बाद प्रतियोगिता में अपने नाम की। तो वहीं आपको बता दें कि प्रतियोगिता के समापन के अवसर पर अंतर्राष्ट्रीय कुश्ती खिलाड़ी बबीता फोगाट व चरखी दादरी जिला उपायुक्त श्यामलाल पुनिया ने शिरकत की और प्रतियोगियों को सम्मानित किया। तो चरखी दादरी में कबड्डी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया और जहां पर उसके समापन कार्यक्रम में अंतर्राष्ट्रीय कुश्ती खिलाड़ी बबीता फोगाट ने शिरकत की। तो वहीं आपको बता दें कि इस प्रतियोगिता में 32 टीमों ने हिस्सा लिया था और जिसमें मैन नेशनल की जो चैंपियनशिप हुई उसमें पूरे देश की सभी टीमों ने भाग लिया, हर प्रदेश की टीम थी। इसमें प्रदेश के अलावा BSNL रेलवे की टीम एक्स्ट्रा आई, तो जिससे कि पूरे 4 दिन तक जो बच्चों का आपस में कंपटीशन रहा, बिल्कुल ईमानदारी से ऑफिशियल ने काम किया और जो हमारी मैनेजमेंट है या हमारे जो कोचेज हैं सब ने ईमानदारी से काम किया। 3 साल कंटिन्यू चैंपियन रही है टीम और उसके बाद एक और बार चैंपियन बनना थोड़ा मुश्किल था, लेकिन टीम का जो इतना अच्छा बैलेंस टीम थी, राइडिंग की जगह राइडिंग स्क्वाड अच्छी थी, डिफेंस स्क्वाड अच्छी थी, तो काफ़ी खुशी है कि कंटिन्यू 4th बार गोल्ड मेडल लिया इंडियन रेलवे ने। रेवाड़ी में बिजली की समस्याओं के समाधान में देरी को लेकर लोगों की बैठक हुई। इस दौरान कर्मचारियों को बिजली का ट्रांसफार्मर लगाने की जगह बताई गई, लेकिन कुछ लोग यहां ट्रांसफार्मर और खंभे लगाने का विरोध करते नजर आए, जिसके चलते कर्मचारी तारे करने के लिए कम दिलचस्पी दिखा रहे हैं। लोगों ने कहा कि तारे और पुराने लोहे के जर्जर खंभे गिरकर कोई हादसा हो गया तो इसका कौन जिम्मेदार होगा। वहीं सर्वसम्मति से फैसला लिया कि अगर बिजली विभाग एक सप्ताह में उनकी समस्याओं पर कार्य शुरू नहीं करता है तो बिजली विभाग के खिलाफ प्रदर्शन कर DC को ज्ञापन देंगे। रीढ़ रतिया के गांव बाड़ा में पीने के पानी का संकट गहराता जा रहा है। जलस्तर के लगातार गिरते रहने के कारण गांव में पीने के पानी की सप्लाई नहीं हो रही है। अगर कभी पानी आता भी है तो वो दूषित होता है, जिससे अनेकों बीमारियां फैलती जा रही हैं। लगातार पानी की किल्लत से जूझ रहे लोगों ने स्वच्छ पानी की सप्लाई सुचारू रूप से करने के लिए जन स्वास्थ्य विभाग के खिलाफ नारेबाजी करते हुए जोरदार प्रदर्शन किया और कहा कि अगर उनकी समस्याओं का जल्द निराकरण नहीं किया गया तो वो उग्र आंदोलन के लिए बाध्य होंगे।
आज जो प्रदर्शन करके उसका मुख्य कारण है कि गांव में पानी की जो समस्या है लगातार 6 महीने से तो चली आ रही है, लेकिन 3 महीनों से जो हमारे गांव के साथ हो रहा है, कभी मोटर सड़ जाती है, कभी स्टार्टर सड़ जाता है, कभी ट्रांसफार्मर सड़ जाता है लगातार, क्योंकि इसका मेन कारण है कि बोर है जो ओवरऑल पूरा हो चुका है, 250 फुट पर मोटर जा चुकी है, इसके नीचे जा नहीं रही, पानी प्रॉपर नहीं मिल रहा मोटर को। हाँ, भूमि जल स्तर नीचे है, इसीलिए गांव में वैसे भी वाटर वर्क्स की जो प्रॉब्लम है, जो बाल है वो पूरी तरह लीक है, उसमें गंदा पानी वो नालों के साथ ही जो बाल है, नालों का पानी बाल के अंदर चला जाता है और बीमारियां लगातार फैल रही है। मामला यह है जी, साढ़े पिंड जो वाटर वर्क्स का बोर सी वह 3-4 महीने तो सानू परेशान कर रहे जी, कुछ तो वाटर लेवल नीचे जाने करके मोटर छोटी आ चल नहीं रही, 260 फुट बोर आ, 260 फुट मोटर बग गई, ये बार बार मोटर खराब हो रही है, थल्ले पानी नहीं मिल रहा, स्टार्टर खराब हो जाता, मोटर खराब हो जाती है, कोई भी अफसर किसी भी महकमे का ना है, पंचायत विभाग का ना है, जन समस्या विभाग का कोई भी अफसर साड़ी सुनवाई नहीं कर रहा। ये जिहड़ा पिंड है इन्ना तंग है पानी तो, ये सारे तो बाल खराब ने, बालों के विच इन्ना लख लख पानी खड़ा है, बोर चल नहीं रहा, स्टार्टर एदा मच गया, बोर कहिंदे ने 500 फुट ते है 250 फुट ते, कैमरा पा के चेक करे, जे सरकार नूं कोई आए है ना भी झूठ मार दें तां आके चेक कर सकदी है, खड़े नूं इह 3 महीने हो गए, लोग लंक रहे ने खेतां चों पानी लिया रहे, कोई ड्रम भर के लिआउंदा, कोई बाल्टियां नाल लिआउंदा, आ बीबियां भैणां बेचारियां पानी कणियों तंग हो रहियां। मेरा गांव मेरा देश, फिलहाल के लिए बस इतना ही, आप देखते रहिए हर खबर।